जबलपुर कादंबरी का अखिल भारतीय साहित्यकार पत्रकार सम्मान समारोह रविवार को शहीद स्मारक सभागार में भव्यता से आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रतिष्ठित सज्जन धर्मियों को नगद सम्मानों से अलंकृत किया गया। कादंबरी के अध्यक्ष आचार्य भगवत दुबे, महासचिव राजेश पाठक, प्रवीण ने बताया समारोह में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार सम्मान समारोह में शामिल हुए, जिन्हें उनकी कृतियों पर लगभग 2 लाख रुपए के नगद सम्मान दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर कपिल देव मिश्र कुलपति एवं अध्यक्षता प्रज्ञा पीठाधीश्वर साध्वी विभानंद उपस्थित थे। सारस्वत अतिथि डॉक्टर भगवान स्वरूप शर्मा, चैतन्य ग्वालियर, इंजीनियर डीसी जैन, डॉक्टर अखिलेश पालरिया अजमेर भी उपस्थित रहे। कादंबरी संस्था ने सभी अतिथियों का एवं साहित्यानुरागियों का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। कादंबरी संस्था का अखिल भारतीय साहित्यकार पत्रकार सम्मान समारोह शहीद स्मारक सभागार में और इसमें देश के विविध क्षेत्रों के लब्ध प्रतिष्ठित सृजन धर्मी अपनी उपस्थिति से संस्कार धनी में सृजनात्मक भाव धारा को स्थापित करने के लिए उपस्थित है। आज का ये आयोजन उन सृजन धर्मियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी विविध विधाओं पर कविता, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य विधा आदि पर कृतियां सृजित की और उन कृतियों को कादंबरी ने चयनित करते हुए समादरित सम्मानित किया। कादंबरी का सम्मान स्मृति का सम्मान है, ये भावों का सम्मान है और इस सम्मान के माध्यम से हम सृजन धर्मियों को समाज सापेक्ष सृजन के लिए शुभकामनाएं समर्पित करते हैं और उनको इस सम्मान के माध्यम से ये भाव अर्पित करते हैं कि आपने जो समाज को दर्शन दिया है, दृष्टि दी है, वो हम सबके लिए प्रेरक है। आपकी शब्द साधना का कादंबरी अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित है। आपका नाम राजेश पाठक। आज कादंबरी संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यकार एवं पत्रकार लोगों का एक सम्मान समारोह एवं अलंकरण समारोह शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के तमाम कोने कोने से, तमाम शहरों से वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनकी तमाम कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग आज 92 साहित्यकारों का एवं पत्रकारों का इस समारोह में सम्मान किया जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि संस्कार धानी में पूरे समूचे राष्ट्र से यहाँ साहित्यकार उपस्थित हुए हैं, उन सबका हमें स्वागत करने का, सम्मान करने का अवसर मिला है। और निश्चित तौर पर कादंबरी की यह एक परंपरा रही है कि हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हर वर्ष तमाम साहित्यकारों को, पत्रकारों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाता है उनकी कृतियों के लिए और विशेषकर उन पत्रकारों को जो साहित्य के। आचार्य भगवत दुबे, कादंबरी का अध्यक्ष, कादंबरी जबलपुर, जैसा कि आपने देखा है पूरी देशव्यापी संस्था है जिसमें हम देश भर से किताबें बुलवाते हैं, उनके लेखकों की प्रविष्टियां बुलवाते हैं, उन पर चयन करके हमारा निर्णायक मंडल है वो चयन करता है और पत्रकारिता के लिए भी हम जो साहित्यिक पत्रकारिता करते हैं, पत्रिकाएं साहित्य की निकलती है, उनके पत्रकारों को भी, संपादकों को भी, उनका भी चयन करके और हम पुरस्कृत करते हैं। जैसा कि आपने आज देखा पूरे देश के कोने कोने से हमारे पास में 150 प्रविष्टियाँ आई थी जिसमें से निर्णायकों ने चयन किया और 92 लोगों को आज सम्मानित किया गया है। भविष्य में भी इसी तरह से सम्मानित किया जाता रहेगा और इसकी ख्याति, जबकि सरकार से हमें कोई इसमें सहायता प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद भी हमारे सम्मान राशि प्रदाताओं के सहयोग से ये कादंबरी संस्था चल रही है और आपने देख ही लिया है पूरे देश के कोने कोने से साहित्यकार आते हैं और उन्हें बड़ा गर्व होता है। एक बार डॉक्टर राधा गोविंद थोंगाम मणिपुर से आए थे और 30,000 रुपये उन्होंने खर्च किए प्लेन में आने जाने के और 1100 रुपये का सम्मान मिला। ऐसे कादंबरी के सम्मान के लिए लोग लालायित रहते हैं कि कोई सम्मान हमें कादंबरी का मिल जाए कभी। धन्यवाद। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो
सब कुछ में। आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।